हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में देखो, 20 जनवरी से फर्स्ट का जितने भी जीके क्वेश्चन आया है आपके पीवाईक्यू, सारे क्वेश्चन को मैं लिया हूँ। अभी आपको 11 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, लेकिन कम से कम 16 से 17 एग्जैक्ट पेपर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये इसको इरेज करने के बाद फिर मैं 3-4 क्वेश्चन और करवाऊंगा, जो पेपर में आया वही, कुछ अलग नहीं। देखो सबसे पहले बात करते हैं, जो जो भाई चैनल पर न जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चलो देखो सबसे पहले बात करते हैं रंगा स्वामी कप। तो रंगा स्वामी कप आपके किसके रिलेटेड है? हॉकी के। जो पेपर में आया था आपके फर्स्ट शिफ्ट में, रंगा स्वामी कप आपके हॉकी से रिलेटेड है, याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित थे? देखो घराना वाला जो भी है ना भाई, वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना आप, ठीक है ना। तो पंडित बिरजू महाराज जो थे लखनऊ के कालका बिंदादिन घराना से, ठीक है ना। तो कहां से? लखनऊ कालका बिंदादिन घराना से आपके कौन थे? पंडित बिरजू महाराज, इसे तो ध्यान रखना। फिर एक तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल 31 के तहत भारत के कितने वर्ष की आयु में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिया गया, मतलब कि मुफ्त शिक्षा कितने वर्ष तक दिया गया? तो याद रखना आपको 6 से लेकर 14 वर्ष तक। और ये कौन सा अमेंडमेंट था? 86 अमेंडमेंट 2002, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद रखना है आर्टिकल 20 ये क्या होता है, राइट टू एजुकेशन होता है, उसके तहत आपके 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगा, इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो लोकसभा और राज्यसभा में महिला को आरक्षण, कितने परसेंट महिलाओं को आरक्षण मिला है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में? पेपर के एग्जैक्ट क्वेश्चन है, 33%। कितना? 33%। अब बात करते हैं भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुब्बू लक्ष्मी के आपने नाम सुना होगा। तो भारत रत्न सबसे पहले यही संगीतकार थे जिन्होंने प्राप्त की थी, आपका क्या है? सुब्बू लक्ष्मी। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चों के साथ ये जो रिव्यू में जितने भी आए थे, मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करके सारे टीचर को देख के उसके बाद आपके लिए आया हूं। देखो भय मुक्त राज्य बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अवार्ड किन को मिला था? किस सीएम को मिला था? यूपी के सीएम भाई, सबको पता होगा, योगी आदित्यनाथ, उनको मिला था भयमुक्त राज्य बनाने के लिए। तो आपके 6 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। 7वां क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में कौन सा योजना आयोग को 7 बदल दिया गया था? 2015 में आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग के नाम कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है ना, योजना आयोग को नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया था नाम। और अगर इसके और भी डिटेल चाहिए कि इसके वॉइस कौन होते हैं, ठीक है ना, उसके बाद नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, तो चेयरमैन आपके कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, इस चीज को ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके सीईओ कौन है कमेंट सेक्शन में बता देना आप सब, ठीक है ना। फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस वाज कंडक्टेड थ्रू द कंट्री एक्सेप्ट लक्षद्वीप ड्यूरिंग विच ईयर? बोल रहा है कि पहला इकोनॉमिक सेंसस जो कंडक्ट हुआ था पूरे कंट्री में, ठीक है ना, लक्षद्वीप को छोड़कर किस ईयर में हुआ था? तो याद रखना 1977 में। कब? 1977 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में 1977 दे रखा था, पूरा एग्जैक्ट पेपर का क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? तो आपकी ब्रह्म लिपि पढ़े हो ना, तो ब्रह्म लिपि आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब भारतीय महाद्वीप की सबसे पुरानी लिपि कौन है? ब्रह्म लिपि है। अब देखो मेंडलीव साहब ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी, तो मेंडलीव साहब के बारे में पढ़े होंगे कि उन्होंने पीरियोडिक टेबल के फादर उनको बोला जाता है, लेकिन ठीक है ना, बोला जाता है उन्होंने कितना तत्व उस टाइम था जब मेनली ने पीरियोडिक टेबल दी थी, उस समय कितना तत्व था? तो आपके 63 एलिमेंट थे, और उन्होंने अरेंज किया था भाई एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इन्होंने अकॉर्डिंग किसके थ्रू अरेंज किया था एटॉमिक पीरियोडिक टेबल को? एटॉमिक मास के थ्रू उन्होंने अरेंज किया था। तो कितना हो जाएगा आपके 63 एलिमेंट होंगे किस में? मेंडलीव ने जब दिए थे पीरियोडिक टेबल, तो कितने? 63 एलिमेंट उस समय प्रेजेंट थे। उसके बाद बात करते हैं सीसीआई कंपटीशन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? तो रवनीत कौर है, इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो ये पूछा गया था, आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी लिख के बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे, ठीक है ना। तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जल्दी कमेंट सेक्शन बताओ। सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे कौन? ज्योतिराव फूले, ठीक है ना, कौन थे? ज्योतिराव फूले थे। और कब? 1873 में, ठीक है, कब? 1873 में आपके स्थापना हुई है, ठीक है ना, सत्य शोधक समाज की, कहां पे? महाराष्ट्र में, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखना आप, सत्य शोधक समाज के स्थापक कौन थे?
आपके ज्योतिराव फुले थे, 1873 में स्टैब्लिश किया गया था और कहाँ पे, मुंबई में। अब देखो एक और क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, एक सेकंड देख लेता हूं मैं। हाँ एक और क्वेश्चन पूछा गया था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे स्टैब्लिश है, कहाँ पे स्थित है, तो सबको पता होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि कहाँ पे है, अहमदाबाद में है, गुजरात में है, ठीक है ना, और कहाँ पे, मोटेरा, ठीक है ना, मोटेरा स्टेडियम भी इसको बोलते हैं। तो याद रखना नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपको कहाँ पे है, आपका अहमदाबाद में है, गुजरात में, जिसको मोटेरा भी बोलते हैं। आपके 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी है तो देख लेता हूं मैं एक बार। हिंदी में, हिंदी का क्वेश्चन एक और था, हिंदी का क्वेश्चन एक था मुहावरा का, वो बताता हूं मैं, ठीक है ना। 13 ही क्वेश्चन मेरे को देखने को मिला है। एक आपके हिंदी का क्वेश्चन क्या है, हाँ झांसा देना, एक हिंदी में पूछा गया था मुहावरा झांसा देना, जिसका मतलब होता है धोखा देना या धोखे में डालना, इस चीज को याद रख लेना। उसके बाद पूछा गया था क्या, नस्वर का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है ना, नस्वर का, ठीक है ना, नस्वर का विलोम शब्द क्या होगा, ये भी पूछा गया था, ये बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पहले शिफ्ट के थे, फर्स्ट शिफ्ट के ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि मोटेरा में है, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे, अहमदाबाद में, ठीक है ना, गुजरात में, ये भी याद रखना, जिसको मोटेरा स्टेडियम भी बोलते हैं। और एक मैंने एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया था, क्या एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना, वो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे PYQ है। तो जो जो भाई अगर अगले शिफ्ट अगले दिन एग्जाम है, आपको कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, ये सारे चीजों को नोट डाउन करके इसको रेटाफिकेशन करो साथ के साथ। यहाँ पे नीति आयोग पूछेगा इसको चेयरमैन कौन है, इसके वाइस चेयरमैन कौन है, ये सारे चीज आपको याद होने चाहिए। आपके बिरजू महाराज लखनऊ घराना से है, आपके बॉस 3-4 घराना और होते हैं, सारे घरानों को याद कर लेना, ठीक है ना, सारे घरानों को याद कर लेना। उसके बाद आपके आर्टिकल 21 से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है सब याद कर लेना, कौन से अमेंडमेंट, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और ये भी चीज ध्यान रखना आपको रखना है, समझ गए। तो ये सारे चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो जो भाई नए जुड़ते जाएंगे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर देंगे, और ये फर्स्ट शिफ्ट है, फिर शिफ्ट सेकंड लाऊंगा, फिर शिफ्ट थर्ड लाऊंगा, फिर शिफ्ट फोर्थ लाऊंगा, सारे शिफ्ट लाऊंगा और सारे शिफ्ट को खत्म करूंगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो फिलहाल इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।